हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फैंटास्टिक फ़ोटोशूट आइडिया जो कि इंडिपेंडेंस डे थीम पर फॉर बेबीज़। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज कपड़ा लिया है। मेरे पास एक पटियाला सलवार थी तो मैंने वो ली है, जिससे मैं बनाने वाली हूँ इंडिया का मैप। तो सबसे पहले ऊपर जैसे फ्लैग का कलर होता है ऑरेंज, तो मैंने ऑरेंज सलवार से ये बनाया फर्स्ट पार्ट इंडिया के मैप का। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कपड़े से मैप बनाना स्पेसिफिकली, बिकॉज ये शेप ना थोड़ा हमें स्पेसिफिक रखनी पड़ती है। इसमें हम कुछ इधर ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल सा टास्क है। तो इसके लिए मैंने एक अपने फ़ोन में फ़ोटो ली हुई थी मैप की, ताकि मैं उसको देखकर एक प्रॉपर शेप दे सकूँ। थोड़ा इधर उधर हो रहा था और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। वीडियो में आप लोगों को पता नहीं चल पाता कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है ये सब करने में, तो मैंने वैसे भी फास्ट फॉरवर्ड पर चलाई हुई है वीडियो। तो इस तरह से मैंने ये सेटअप किया था ऑरेंज कलर के सलवार से। अभी मैंने सेकेंड कपड़ा लिया है वाइट कलर का, और इससे मैं सेकेंड पार्ट दे रही हूँ मैप का, बीच का पार्ट। जैसे कि फ्लैग का सेकेंड कलर होता है वाइट, तो उससे मैंने ये वाइट कलर का मैप का बीच का सेटअप दिया है। तो एंड थर्ड कलर से मैं बनाऊँगी ग्रीन कलर से, आप देखिए किस तरह से। तो इसके लिए ना आपको यही करना होगा कि आपको एक पिक्चर रखनी होगी अपने पास मैप की, ताकि आप उसे देख के एक शेप दे सकें। एंड यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थर्ड अपनी दुपट्टा और ग्रीन कलर का नीचे का लास्ट पार्ट देने के लिए मैप को। तो इस तरह से आप अपना शेप, डिज़ायर्ड शेप आप किसी भी क्लॉथ से बना सकते हैं। क्लॉथ से दोनों चीज़ होती है बनाना, शेप्स का बहुत इजी भी रहता है क्योंकि आप किसी भी तरह से इधर उधर मोड़ तोड़ सकते हैं। और थोड़ा सा मुश्किल ही होता है कि एकदम एक्यूरेट शेप देना। अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बना रहे हैं तो उसमें एक्यूरेट शेप देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बट हाँ मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये मैप की शेप दिया। इवन ये जो इसके बाद भी जब हमने मुझे बार बार कैमरा में देखना पड़ रहा था कि कैमरे से कैसा दिख रहा है ये शेप, ऊपर से कैसा दिख रहा है, जब मुझे लगा कि ये ठीक है तो मैंने फाइनली इसे किया। एंड यहाँ पर अभी हम सेकेंड उसमें कर रहे हैं ज्ञानवीर को रेडी। इसमें हमने सोचा है कि हम इसे भारत माता का ड्रेसअप दें, तो और एज ज्ञानवीर अभी 3 मंथ्स की भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसे छोटे से बच्चों को ड्रेसिंग करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वो कितना हिलते रहते हैं और इरिटेट भी होते हैं बीच बीच में, तो बहुत ही मुश्किल सा था। और तो बट हमने ट्राई किया और सक्सेसफुली हो भी गया। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया था जो कि मैं एक पूजा शॉप से लेकर आई थी, जैसे कि कई लोग ना पूजा में पहनते हैं ऐसे फटका बोलते हैं, तो वो कॉटन का एक कपड़ा था जिसपे बहुत ही प्यारा सा ग्रीन और रेड कलर का बॉर्डर था। तो मैंने ये ज्ञानवी की साड़ी बनाने के लिए लिया। अगर आपके पास घर में कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, घर में आपके पास कोई दुपट्टा अवेलेबल हो या कुछ और भी हो, वाइट कलर का भी प्लेन भी चलेगा, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा था पूजा शॉप पर तो मैंने ले लिया था। और मेरे दिमाग में यही था कि मैं इसे साड़ी के रूप में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हम पहना रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ज्ञानवी का साड़ी पहनाने का, फाइनली मैंने पहना दी। और अभी मैंने यहाँ पर ना एक ये लिया है चेन। चेन क्या, ये मेरे पास एक लेस थी जो आपको नज़दीक से शायद नहीं दिख रही, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है एक सिंपल सी लेस गोल्डन सिल्वर ऐसे कलर में। तो वो लेके मैंने दोनों साइड उसको धागा बांध दिया था, ताकि मैं उसकी कमरबंद बांध सकूँ। और मेरे पास ये मुकुट था जो मेरी फ्रेंड से मैंने लिया था, उसके बेटे को उसने कृष्णा बनाने के लिए लिया हुआ था, तो मैंने उसे ये मुकुट पहना दिया। तो ये हमारी भारत माता रेडी है और हमने उसे यहाँ पर रख दिया अपने मैप के ऊपर। तो अभी हमें ये थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो जो मैंने पहले वाले एक फ़ोटोशूट में कटिंग्स की थी पेपर की इंडिया की, आई लव इंडिया, तो सेम हम यहाँ पर उसे यूज़ कर रहे हैं ताकि और अच्छा सा क्यूट सा एक लुक आ जाए। तो ये देखिए, ये फाइनल हमारा लुक रेडी है। अभी आपको शायद इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लग रहा होगा, बट देखेंगे मैंने फ़ोटोज़ डाली हैं फ़ोटोशूट की, तो बहुत ही प्यारी क्यूट सी अच्छी सी फ़ोटोज़ आई थी इंडिपेंडेंस डे की। और ज्ञान भी तो हमारी लगी थी भारत माता बनकर। ये देखिए ये फोटोज़ हैं, बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ ऐसे ही मोर आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।